आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन ग्लोबल प्लांट डाइवर्सिटी डैश आर टैक्सोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट स्पीशीज डाइवर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे स्पीशीज या फिर बहुत टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली सबसे डाइवर्स जो होता है प्लांट किंगडम में वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि अगर एंजियोस्पर्म्स को देखा जाए तो इनके जो वैरायटी होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 300,000 स्पीशीज वैरायटी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इतने वैरायटी जो है वो ना तो फंगस, ना तो एल्गे और ना ही जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा डाइवर्स और सबसे ज्यादा ह्यूज जो साइट होता है या फिर टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है वो एंजियोस्पर्म का ही होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो कि सेकंड एंजियोस्पर्म्स है। और नेक्स्ट बात है कि इसका डाइवर्स होने का मतलब ये होता है कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही मॉडिफाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो देखने को पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जिम्नोस्पर्म का बात करें तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स रहते हैं जिसकी वजह से इसका डाइवर्सिटी कम है। वहीं एल्गे जो है ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और यही स्मॉल साइज के लिए इनका भी जो नेचर होता है और लैक ऑफ फ्लावर के लिए डाइवर्सिटी कम होता है। वही फंगी जो है ये हेटरोफाइट्स होते हैं और हेटरोफाइटिक होने की वजह से ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इनका भी नंबर एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म्स कम होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन एंजियोस्पर्म है वही टिक करेंगे, क्योंकि वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।